नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज रूम पोस्ट की खास पेशकश स्पोर्ट्स पोस्ट में। भारत और इंग्लैंड के बीच हो रहे पहले टेस्ट में यहां पर बल्लेबाजी कर रही पहले इंग्लैंड की टीम धड़ाम हो गई है। 246 रन पर चाय के बाद इंग्लैंड की टीम ऑल आउट हो गई और लास्ट विकेट रहे बेन स्टोक्स। हुआ क्या, आपको बता दें कि जो इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स हैं, उन्होंने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद उन्होंने बल्लेबाजी का फैसला किया। बल्लेबाजी करने आई इंग्लैंड की टीम पैच बॉल क्रिकेट का एक नमूना दिखाया, पर जैसे ही भारत के स्पिनर्स आए उनको हवा नहीं लगी और एक के बाद उनके विकेट गिरते गए और उसी के साथ एक वक्त ऐसा लगा क्या इंग्लैंड की टीम 150 पार कर पाएगी, 200 पार कर पाएगी, पर जो इंग्लैंड के कप्तान है बेन स्टोक्स, उन्होंने पारी को संभाला और 246 रन पर ले जाने में कामयाब रहे। और हुआ क्या, आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, अक्षर पटेल और यहां पर जसप्रीत बुमराह विकेट लेने में कामयाब रहे और 3 विकेट रविंद्र जडेजा के नाम है और 2 विकेट यहां पर ऐसी स्पिनर्स को ज्यादातर विकेट मिले हैं, पर इस विकेट पर 246 रन, ऐसा कह सकते हैं कि इंग्लैंड की टीम ने इतने रन बना लिए कि ये मैच जीत सकती है, क्योंकि इंग्लैंड ने भी यहां पर स्पिनर्स को खिलाया। अब देखना होगा क्या भारत के बल्लेबाज जिन्होंने जाल बिछाया है भारतीय पिचों का यहाँ पर कि वो स्पिनर्स के लिए मददगार पिच होती है, क्या स्पिनर्स की मददगार पिच पर भारत के बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर पाएंगे और क्या 246 रन बनाने के बाद जो एक लीड होता है यहाँ पर लीड लेने में कामयाब हो पाते हैं भारत के बल्लेबाज या नहीं, अब ये देखना होगा। पर इतना तो कहना तय है कि जो इंग्लैंड के बल्लेबाज है उन्होंने अपना काम कर दिया, अब बारी है इंग्लैंड के गेंदबाजों को। तो अभी तक के मैच को आपको देखकर क्या लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अभी के लिए दीजिए इजाजत, अभी आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे मैच के अपडेट के साथ। देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट की खास पेशकश स्पोर्ट्स पोस्ट।